नमस्कार दोस्तों, मैं गरालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हम हैं इस समय जखनिया क्षेत्र में और रास्ते में हमसे मिल गए सद्दाम भाई, जो कि पीछे देख रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा है, उधर जेसीबी खड़ा है। तो यहीं पे सद्दाम भाई मिल गए वर्क करते हुए, और इनका सपना एक ही होता है कि हम आर्मी में भर्ती हो जाएं, देश के लिए कुछ करें। लेकिन आर्मी भर्ती न आने के कारण पेट का सवाल है, इसलिए जो है कुछ रोज़गार करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए सद्दाम भाई जो है यहाँ पे अपना जेसीबी चलाने का काम करते हैं, जहाँ से कुछ पैसे इनकम होता है उससे अपना खर्च चलाते हैं, उससे अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। तो हम इसी तरह रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि ये इसी जगह पे जो जेसीबी चला रहे हैं, कल एक जवान शहीद हो गए थे देश के लिए, तो वहाँ पे ये नहीं पहुँच पाए क्योंकि कहीं बिजी थे और इसी काम में शायद बिजी रहे होंगे। और इनका सपना देखिए, लोगों को सीख लेना चाहिए कि ये सद्दाम भाई जितना आर्मी से प्रेम करते हैं, आर्मी फैन जितना है, बहुत बड़े फैन है आर्मी फैन, तो ये जितना लव करते हैं आर्मी से और उसी के हिसाब से मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे दौड़ लगाते हैं। तो लोगों को और लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए कि इतना करने के बाद, इतना प्रेम आर्मी का नौकरी चाहत रखने के बाद जो है ये ड्यूटी कर रहे हैं अलग से। कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरा काम नहीं करते हैं, वो केवल जॉब नहीं मिलती है तो हताश होकर तैयारी में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन इनकी जो जुनून देखिए, आप लोग जुनून भी देख लीजिए, देखे होंगे आप लोग कि इनका आर्मी के प्रति कितना जुनून है भर्ती होने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, वो भी हार्ड वर्क, जेसीबी चलाना, ताकि कुछ इनकम भी हो जाए। तो ऐसे लोग हैं और लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। थोड़ा सा हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से जो है क्या कारण है। सद्दाम भाई इनसे बात भी कि आखिर में जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है जेसीबी चला रहे हैं। स्वागत है आज हमारे चैनल पर दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी दर्शक देखेंगे उनको जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम। और हम यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी न छोड़ें। और तैयारी ऐसी चीज़ है कि आप फिटनेसी अगर अपना फिटनेस बना के रखे हैं, पसीना बाहर है तो आपको रोग कोई नहीं धरेगा, आप तो निरोग रहेंगे। और पेट पालन बहुत ज़रूरी है, हमारे पास हुनर है, हम जेसीबी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, फोर व्हीलर जो भी मिलता है, अपना लाइसेंस है, तो पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भर्ती नहीं है तो इस समय अपना जीविका चला रहे, जब भर्ती आएगी तो छोड़ कर रनिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, चांस मारते रहेंगे, शायद हो जाएगा तो ज़िंदगी। बहुत से लोग हैं जो कि बैठ के तैयारी में केवल लगे रहते हैं और उनके घर से डांट भी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो घर पे ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं तैयारी करने, ग्राउंड पे दौड़ लगाने के लिए, भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन उन लोगों को चाहिए, मोहब्बत हो गया ग्राउंड से, जैसे अब मोहब्बत हो गया, जैसे अब कोनो चीज़ है, अब भाई कितना जाने भैंस गाय गुरु चराव तो उनका सुबह शाम ही है कि नहीं गाय छोड़ के चरावे के, भैंस शाम के चरावे के, गाय के उदीप लगावे के, तो ग्राउंड से भी लगन रहा। युवा जो रहना दौड़े चाहे जिन ग्राउंड पर जात रहना रोज शाम सुबेरे, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गई है कि कोरोना में इतना मतलब टूट गई ना युवा कि मजबूर होगी ना कि आदमी पेट पालन कहाँ से चला, पेट का खर्चा कहाँ चला, घर परिवार बाप मतारी हुए, अपने बाप मतारी के अपने लड़कन पर भरोसा रहा, लेकिन नहीं भर्ती आई, भर्ती हो जाइए तब परिवार का प्रोग्रेस रही, लेकिन सिस्टम ऐसा ना कि अब पेट चलाओ बदे, परिवार चलाओ बदे, कुछ ना कुछ करे कोई, तो ये हम जिस भी चलाओ थी आप देखते अभी रास्ते से हम जा रहे थे, आप लोग को देखे कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी दुख हुआ कि आर्मी भर्ती नहीं आई। और जिसके दिल में देश के प्रति प्रेम है, जिसके दिल में नौकरी, गोली इतना तैयारी होते रहें कि अगर दुश्मन गोली भी चलावत ना तो पर लगत ना स्लिप कर जाते, तब इतना तैयारी रह ले, स्टील बॉडी रह ले। अब सिस्टम ऐसा ना गला अभी हुआ चॉइस, अभी आर्मी है। अच्छा, आज भी अभी मेहनत करते हैं, मेहनत सुबह दौड़ के रनिंग करके आए अपना चला रहे हैं गाड़ी। तो उन लोगों को सीख लेना चाहिए जो ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं, साइड में वर्क करिए और उसका जोश जज्बा जुनून बरकरार रखिए, मेहनत डेली करते रहिए। ये यादव जी हैं, हम चाहेंगे कि एक दो शब्द इनसे भी पूछ लीजिए। देखिए आपका क्या नाम है? सुनील यादव। आप पशु चरा रहे हैं ना जी? तो क्या आपका क्या सपना था, आप अभी है या फिर खत्म होने का क्या सपना रहा भैया? हमारा सपना था वही भर्ती आर्मी। अच्छा, हाँ। अभी हाँ। है कि नहीं है? अब हाँ। क्या है, अब तो परिवार व्यवहार सब बढ़ गया जो है, अब लाचारी, गाय भी रख ले लो, भैंस भी रख ले लो बेचारों को, तो सिस्टम ऐसा ना कि परेशान रहला सब, कोरोना में बहुत बुरा परेशान रहला। अब अगर भर्ती खुल जाए तो मन बदे उसे बढ़िया और खुशी कौन ना, अब खुले के चाहिए हम ही कहा कि जौन भी युवा हमारे जरिए आपके जरिए से देखत हुए तो वो लोग
तैयारी करत रहें, एक न एक दिन अब मेहनत रंग लेबे करी, तो तैयारी मत छोड़ें। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, बहुत अच्छी सलाह दी कि आप लोग काम भी करिए कुछ, ताकि घर परिवार का खर्च भी चले और इसके साथ साथ तैयारी भी करिए, और अगर आपके अंदर जुनून रहेगा तो एक दिन न एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।